नगर निगम धर्मशाला की सुधेड़ स्थित डंपिंग साइट में पुराने डंप कूड़े को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए अब दिल्ली के कंसल्टेंट अपना सुझाव देंगे। अगले सप्ताह दिल्ली से कंसल्टेंट के दो सदस्य धर्मशाला पहुंचेंगे और डंपिंग साइट का निरीक्षण करने के बाद अपने सुझाव देंगे। नगर निगम धर्मशाला की सुधेड़ स्थित डंपिंग साइट में पुराने डंप कूड़े को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए अब दिल्ली के कंसल्टेंट अपना सुझाव देंगे। अगले सप्ताह दिल्ली से कंसल्टेंट के दो सदस्य धर्मशाला आएंगे और डंपिंग साइट के निरीक्षण के बाद अपने सुझाव देंगे। सुलगती डंपिंग साइट पर लगातार कवरेज कर इस समस्या को प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद नगर निगम ने बाकायदा बैठक की और फायर हाइड्रेंट लगाने के साथ साथ पुराने डंप कूड़े को खत्म करने के लिए कंसल्टेंट की सहायता लेने का भी फैसला लिया। इस बैठक में बकायदा महापौर, आयुक्त, अधिशासी अभियंता व सफाई निरीक्षण ने मंथन किया था और उसके बाद ये निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि धर्मशाला में हर वर्ष सुलगने वाली डंपिंग साइट इस बार 9 जून से लगातार सुलग रही है। हालांकि अग्निशमन विभाग की 30 गाड़ियों से यहां पानी का छिड़काव किया जाता है और बकायदा दो कर्मियों का पाइप के माध्यम से बुझाने के लिए भी इंतजाम किया गया है। गौरतलब है कि एसडीएम धर्मशाला ने नगर निगम धर्मशाला को सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत एक नोटिस भी दिया था और नगर निगम को आज तक का समय दिया गया था कि आग पर काबू किया जाए और अगर इस तरह धुआं रहता है तो नगर निगम पर जिला प्रशासन एफआईआर दर्ज करवा सकता है। उसी के मद्देनजर नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त, महापौर, उप महापौर सहित नगर निगम के कर्मचारी डंपिंग साइट पर मौजूद रहे और मीथेन गैस को कम करने के लिए डंपिंग साइट पर पाउडर का छिड़काव भी किया गया। हमारी ये जो डंपिंग साइट है, यहाँ पे जो आग पकड़ी हुई है, जो लगातार गैस निकलती है उसकी वजह से, उसको बुझाने के लिए हम रोज लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ तक कि हम कई बार रात को 12 एक बजे 2 बजे तक रुक के यहाँ पे फायर ब्रिगेड की मदद से, हमारे लोगों की मदद से कार्य करते हैं। और इसके बावजूद भी, बीच में जब बारिशें भी हुई, उसके बावजूद भी इसको पूरी तरीके से शांत करने के लिए जो दिक्कत आ रही थी, उसके लिए हमने आज एक नया कुछ एक्सपर्ट से बात करी है दिल्ली में। उनकी टीम एक दो दिनों में यहाँ पहुँचेगी, पर तब तक के लिए उन्होंने कुछ जो उपाय बताया है उसके अंतर्गत यहाँ पे वो उपाय करने के लिए आज हम सारे ही लोग आए हुए हैं और हमारी काफ़ी सारी लेबर आई है और वो उपाय करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे भी हम उसको पूरे तरीके से कंट्रोल करने के लिए अपने 100% मेहनत करेंगे और कर रहे हैं। और इसके साथ मैं बताऊँ कि हमारा ये भी प्रयास है कि इस पूरी साइट को हम एक तरीके से जो लीगेसी वेस्ट है यहाँ की, उसको हम खाली करें, उसको विच्छेदित करके, अलग अलग करके, उसका सेग्रीगेशन करके इसको पूरे तरीके से खाली करें। और उसके लिए हमारे पिछले काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहे थे, जो थोड़ा सा इस हादसे की वजह से थोड़े बाधित हुए हैं, पर इससे हम किसी भी तरीके से डिस्करेज ना होते हुए आगे भी इस कार्य को जारी रखेंगे, कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे आग लगी थी, आप देख रहे हैं साथ में जंगल है और पाइन के ट्रीज हैं, तो जंगल में आग लगी थी और साथ में फिर हवा से हमारी साइट की तरफ आ गई, क्योंकि नीचे मीथेन गैस है तो जल्दी आग पकड़ती है। तो हमने पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पिछले 10-12 दिन से डेली यहाँ पे पानी फेंकते हैं, और क्योंकि गैस है इसलिए आग धीरे धीरे वो बुझ रही है। लेकिन हमने पिछले कल डिसाइड किया कि हमें किसी कंसल्टेंट से बात करके, हमने उन्होंने बताया कि एक केमिकल ब्लीचिंग पाउडर करके इसको ऊपर गिराया जाए, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिससे मीथेन गैस कंट्रोल होगी। तो आज कल हमने डिसाइड की कि आज सुबह 8 बजे से हम लोग यहाँ पे सभी लोग, कमिश्नर साहब हैं, एक्सएम हैं, डिप्टी मेयर हैं, और सभी लोग यहाँ पर आके यहाँ ये ब्लीचिंग फेंक रहे हैं। और इसके बाद पहले फायर ब्रिगेड पानी फेंकेगा, फिर ब्लीचिंग पाउडर इसमें फेंकेंगे। तो कॉरपोरेशन पिछले कई समय से इस पर कंट्रोल करने के लिए अपने प्रयास कर रही है, और माना जा रहा है कि अगर इसको केमिकल को इसमें फेंक दिया जाए तो इसमें मीथेन कंट्रोल, मीथेन गैस का कंट्रोल होगा, जिससे आग बुझने में हमें कोशिश जो हम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। थैंक यू।